हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी स्पार्क। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड हैंड अल्टो 800 के बारे में। काफी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप एक लो बजट सेकंड हैंड कार के ऊपर वीडियो बनाओ जो कि हम इजीली परचेज कर सके और जिसका मेंटेनेंस काफी कम है। तो भाई, अगर आपको लो बजट एक सेकंड हैंड कार परचेज करना है आप फैमिली के लिए, सिटी यूज के लिए, तो अल्टो 800 से अच्छा और कोई कार नहीं है। बेसिकली इस वीडियो में हम 2012 से लेकर 2016 वाले मॉडल के अल्टो 800 की बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो अल्टो आती थी इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। 2012 में ये ऑल्टो का फेसलिफ्ट वर्जन था जिसका इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ चेंज था। कार का लुक काफी अच्छा है, छोटी सी कार है ये। वैसे अल्टो में 800 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, 57 bhp के आसपास का पावर प्रोड्यूस करता है। अल्टो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने लो मेंटेनेंस की वजह से जानी जाती है और जो इसका माइलेज मिलता है पेट्रोल में 25 km/L का और वहीं सीएनजी में 30 से लेकर 32 km/kg के आसपास का माइलेज निकाल देती है। अगर आपको सिटी यूज के लिए एक कार चाहिए तो अल्टो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको 2012 का अल्टो 800 150,000 के बजट में इजिली मिल जाएगा अच्छे कंडीशन में। वहीं अगर आप दिल्ली से है तो आपको 130,000 के बजट में काफी अच्छे कंडीशन में अल्टो 800 मिल जाएगा 2012 का मॉडल। वहीं अगर आप इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं तो अल्टो इजिली मेंटेन हो जाता है। आप इसको कहीं भी लोकल गैराज या लोकल शॉप पर किसी भी मैकेनिक से मेंटेन करवा सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं तो स्पेयर पार्ट्स काफी सस्ते दाम में आपको मिल जाएगा। अगर इसके ईयरली सर्विस की बात करते हैं तो जितना कॉस्ट एक बाइक की सर्विस पर आता है उतना आपको अल्टो 800 पर आएगा। अल्टो का अपना रिकॉर्ड है, जब से कार लॉन्च हुई है तब से टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार में जरूर रहती है। वैसे मारुति की हर एक गाड़ी अपनी पुअर बिल्ड क्वालिटी की वजह से मार खाती है, बाकी मारुति का इंजन काफी रिलायबल है। 2 लाख किलोमीटर तक तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप इंटीरियर की बात करते हैं तो आपको फ्रंट के 2 पावर विंडो मिल जाता है। वैसे अल्टो एक छोटी सी हैचबैक कार है जिसमें 4 एडल्ट इजिली बैठ सकते हैं। काफी लॉन्ग रूट जाने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि अल्टो एक सिटी यूज के लिए बनी हुई है। अगर आप ज्यादा हाईवे पर रनिंग करते हैं तो आप ऑल्टो ना ले, आप कोई दूसरी सेडान कार या फिर मिनी एसयूवी परचेज कर ले। वहीं अगर आपको सिटी यूज के लिए एक कार चाहिए जो इजीली पार्क हो जाए और जिसका मेंटेनेंस काफी कम हो तो आप ऑल्टो 800 की तरफ जा सकते हैं। काफी अच्छी बात ऑल्टो की यह है कि अगर इसका इंजन खराब हो जाता है तो ये इजीली 10,000 to 15,000 में पूरी तरह से इसका इंजन बन जाता है। अगर आपके एरिया में सीएनजी अवेलेबल है तो आप अल्टो का सीएनजी वाला वेरिएंट ले, 20,000 to 30,000 कॉस्टली पड़ेगा इसके पेट्रोल वाले वेरिएंट से। वैसे अल्टो के बारे में बताने के लिए कुछ खास सही नहीं, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप कोई भी नई या पुरानी गाड़ी परचेज करने जा रहे हो तो आप हमारे चैनल से वीडियो जरूर देख ले क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।